अब देखिए बच्चों के लिए और बिगनर्स के लिए कितना इजी हो जाता है, जो मेन लाइनें गाने की संध्या से आते हैं वो हमारी आ जाएगी कहाँ से, पहली काली से, यहाँ से वो हमारी लाइन शुरू हो जाएगी, संध्या से आते हैं। अब इसके बाद जो सुना है आता है, लंबा खींचा गया है, तो अगर हम इसको आसान कर दें, लंबे की बजाय शॉर्ट में बजाना चाहें, सुना है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं 15 अगस्त के लिए, और स्कूल के बच्चों की भर भर के सीखो सरल पर रिक्वेस्ट आ रही है देशभक्ति गानों के लिए। तो सीखो सरल पर तो लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार है आपके लिए देशभक्ति गानों की, उस लिस्ट में ये गाना हारमोनियम पर नहीं है, तो इसलिए आज हम इस सुपर डुपर संदेश आते हैं को हारमोनियम पर भी सीखेंगे, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, सरल स्केल के साथ, जिससे आप आसान नोटेशन के साथ आसानी से 15 अगस्त के पहले इस गाने को तैयार कर लें। तो चलिए सीख लिया जाए। नमस्कार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल सीखो सरल हारमोनियम। चलिए तो शुरू करते हैं इस अमर गाने को, जिसको गाया है माई फेवरेट सोनू निगम और रूप कुमार राठौर ने। तो इस गाने को सीखने के लिए जो हमने स्केल रखा है बहुत ही सरल रखा है, जिससे कि जो बिगनर्स हैं, बच्चे हैं, बहुत आसानी से इस गाने को तैयार कर पाएँ, क्योंकि स्पेशली ये 15 अगस्त के लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को परफॉर्म करना होगा अपने अपने स्कूलों में। तो इसीलिए स्केल रखा है हमने एफ शार्प मेजर, सागापा, तीसरी काली हमारा सा रहेगी, एफ शार्प मेजर के अकॉर्डिंग हमारा जो सा रहेगा वो ये तीसरी काली, पहली दूसरी तीसरी, ये हमारा सा रहेगा। तो सा हमने बनाया तीसरी काली को, यानी कि एफ शार्प को, ठीक। तो सबसे पहले हमें कॉर्ड दबाना है सागापा, और गा से स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, कोरस का पार्ट, कौन सा, वापस से कॉर्ड लग जाएगा सागापा एफ शार्प मेजर। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था, कोरस वाला पार्ट, काफी लंबा था, अब इसको हम आपके लिए आसान कर देते हैं, इसको हम चार टुकड़ों में प्ले करेंगे, चार टुकड़ों में सीखेंगे। देखिए गा से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला भाग क्या किया, गा मा धा पा, ठीक ठीक है। अब इसके बाद अगला पार्ट क्या किया, मा गा रे फिर गा पा मा, मा गा रे गा पा मा, मा रे गा पा मा, तो ये भी हो गया मा गा रे गा पा मा, ठीक। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है क्या किया, सा रे गा, ठीक, कितना सरल था। इसके बाद अब जो आखिरी पार्ट है ये भी तीसरी काली से ही, सा से ही, देखिए क्या किया, सनी धा रे सा, ठीक। तो चारों पार्ट आपके क्लियर हो गए, यानी कि आपका कोरस वाला जो पार्ट है वो तैयार। एक बार जल्दी वाला रिकैप, फिर और लास्ट में, ठीक। और इसके बाद शुरू हो जाता है गाना, गाने की पहली लाइनें संदेश से आते हैं, जिसको गाया है सोनू निगम ने, और वो शुरू होगी पहली काली से, यानी कि पा से। तीसरी काली हमारा सा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा पा हो गया, ठीक। जो पहली काली वो हमारी पा हो गई, मगर शुरू होगी पहली काली से ही, ठीक। संदेश से आते हैं, क्या किया, प प प ग रे ग, तो प प प ग रे ग, कितना इजी है। संदेश से आते हैं, ठीक, संदेश आते हैं। तो कितनी इजी थी, कितनी सरल थी गाने की पहली लाइन संदेश से आते हैं। इसको आप अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि आने वाली जो तीन लाइनें वो सेम टू सेम ऐसे ही प्ले होंगी, क्योंकि अगली जो लाइनें हमें तड़पाते हैं सेम कॉपी, हमें तड़पाते हैं, कुछ भी अंतर नहीं था, सेम कॉपी, ठीक। अब इसके बाद जो लाइन आएगी ये भी सेम ऐसे ही,
जो चिट्ठी आती है। ठीक, तो कॉपी पेस्ट मारते जा रहे हैं। अब इसके बाद वो पूछे जाती है, ये भी वही। ठीक, तो हमने सीखी कौन सी, संदेश आते हैं और उसके बाद कॉपी करते चले गए, हमें तड़पाते हैं, फिर कॉपी जो चिट्ठी आती है, फिर कॉपी वो पूछे जाती है। ठीक, तो एक सीखी, चार बजाई। अब जो इसके बाद है, के घर कब आओगे, ये अलग है और शुरू होगी सा से, यानी कि तीसरी काली से, के घर कब आओगे। क्या किया, के घर कब आओगे, ऐसे के घर कब आओगे। ठीक, आ पे थोड़ा रुकना है, आ फिर ये चीज ध्यान रखनी है, के घर कब, फिर आ यहां ठहरा हुए, अब ओगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गई। और इसी लाइन को फिर से रिपीट करना है, के घर कब आओगे। अब इसके बाद है, लिखो कब आओगे, ये भी सेम ऐसे ही है, बस इसमें हल्का सा एक नोट एक्स्ट्रा कर देंगे, रे से स्टार्ट कर देंगे, लिखो, ये हो गया बस। ठीक, थोड़ा सिंगर ने क्या करा है, हल्का सा झटका थोड़ा ऊपर को दिया है, तो एक स्वर ऊपर चले गए हम। ठीक, रे पर आ गए, बाकी पूरा वैसे ही बजा है, बस हल्का सा थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो रे से हो गया, लिखो कब आओगे, बाकी सेम पैटर्न। ठीक है, आप इसके बाद जो लाइन है ये बिल्कुल ही अलग है, लाइन है कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, जो कि शुरू होगी चौथी काली से, यानी कि रे से शुरू करेंगे इस लाइन को। ठीक है, देखिए, अब इसको आराम से देखेंगे। सबसे पहले के तुम बिन, तीन बार रे हो गया, के तुम बिन। ठीक, अब ये फिर से रे, तो कैसे, के तुम बिन ये, इतना क्लियर। अब घर गारे, अब इसके बाद सूना, रे गारे सूना। ठीक है, के तुम बिन ये घर सूना, इतना क्लियर। इतना क्लियर। अब इसके बाद जो लास्ट में सूना है, ये थोड़ा लंबा खींचा है, इसको देखिए इस तरीके से, मगर छोटे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्टकट कर देते हैं, आसान कर देते हैं। सूना है। क्या किया, ठीक, तो कैसे बजा सकते हैं इसको, ठीक, ये आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसके बाद जो लाइनें आती है, ये लाइनें हैं रूप कुमार राठौर की, मगर ये पूरी की पूरी लाइनें वही हैं जो हम सीख चुके हैं। अभी तक हमने जितनी भी गाने की लाइनें सीखी वो सारी की सारी अब रिपीट होंगी, मगर रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, तो वही की वही कॉपी पेस्ट हमें यहाँ पर करना है। तो बढ़ते हैं अंतर की तरफ। तो अंतर की जो पहली लाइन है सोनू निगम की है, लाइन क्या है, किसी दिलवाली ने, जो कि शुरू होगी पहली काली से, यानी कि पा से। देखिए, किसी दिलवाली ने क्या किया, प प प ध स रे ग रे, किसी दिलवाली ने, ये चीज करिए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो लाइन है ये भी सेम ऐसी कॉपी पेस्ट, किसी मतवाली ने, कुछ नहीं करना, वही कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो लाइन है ये भी सेम ऐसे ही, हमें खत लिखा है, सेम कॉपी। ठीक, तो तीनों लाइन सेम टू सेम। अब इसके बाद जो है कि हमसे पूछा है, ये अलग है, ये स्टार्ट होगी रे से। ये थोड़ा स्टाइल से, कैसे, के हमसे, ये तो सिंपल हो गया, के हमसे। अब पूछा है को देखिए, क्या किया, पूछा। ठीक, रे 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 गा सा, यहां पर कोमल रे भी आ गया है। ठीक है, तो इस गाने में
एक खासियत और है कि आपको सारे के सारे स्वर बजाने को मिल जाएंगे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। शायद ही इसमें कोई स्वर बचाओ, मुझे ढंग से याद तो नहीं है, मगर हाँ बजाते बजाते सब ध्यान आ जाएंगे कि इसमें मेरे ख्याल से सारे के सारे स्वर इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी तक तो हमने क्या क्या देख लिया, कोमल रे भी आ गया इसमें, तीव्र मा भी आ गया इसमें, कोमल गा भी आएगा अभी इसमें, और भी आगे देखते चलेंगे। मेरे ख्याल से इसमें 12 के 12 स्वर आपको बजाने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है बिगनर्स के लिए। तो ये भी आपकी क्लियर हो गई कि हमसे पूछा है ठीक है। और अब बारी आती है रूप कुमार साहब की, सिंगर चेंज होते रहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर बारी अब रूप कुमार राठौर की, और इनकी लाइन है किसी की सांसों ने ठीक। अब ये थोड़ा ऊपर गए हैं, तो इनकी लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, तीव्र मा से लाइन है किसी की सांसों ने। क्या किया, किसी की सांसों ने ठीक। क्लियर, मा 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 गा रे गा मा गा, मा तीव्र ध्यान रखिएगा ठीक है। अब सेम ऐसे ही किसी की धड़कन ने, कुछ अलग नहीं है, सेम वही कॉपी कर देना है। और इसके बाद किसी की चूड़ी ने, ये भी सेम ऐसे ही कॉपी ठीक। तो तीनों लाइन सेम टू सेम। इस गाने की एक और खासियत है कि लाइनें जो हैं वो काफ़ी सारी सिमिलर हैं, जिससे आपके लिए बजाना बहुत इजी हो जाता है। गाना बड़ा जरूर है, लंबा जरूर है, मगर आसान बहुत है। अब जो इसके बाद लाइन है किसी के कंगन ने, ये चेंज कर दिया है, ये स्टार्ट होता है गा से, किसी के कंगन ने क्या किया, किसी के कंगन, अब ने, किसी के कंगन ने वापस आ गए एफ शार्प मेजर पे सगा पा। अब फिर से कमबैक होता है सोनू निगम का, लाइन है किसी के कजरे ने। अब देखिए लाइन को मैं प्ले करने जा रहा हूँ, सोनू निगम की लाइन है किसी के कजरे ने, और मेरे बजाते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी कि ये कौन सी लाइन है। चलिए दिमाग की बत्ती खोल दीजिए, देखिए किसी के कजरे ने, मुझे मालूम है सभी का आंसर एक ही होगा, और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये वही लाइन है संदेश से आते हैं, उन्हीं सुरों पर लिरिक्स चेंज कर दिए हैं ठीक है। वो थी संदेश से आते हैं और ये है किसी के कजरे ने, लिरिक्स अलग हो गए मगर सुर वही है, धुन वही है ठीक है। तो संदेश से आते हैं उसी तरीके से ये लाइन है किसी के कजरे ने ठीक है। तो देखा आपने, कुछ भी अंतर नहीं था। तो उन्हीं लाइनों पर आधारित अब लाइनें आएंगी ठीक है। अब हम जो लाइनें प्ले करने जाएंगे वो अलग नहीं होंगी, वही जो हमने सीखा था पैराग्राफ उन्हीं पर आधारित लाइनें ये। कौन सी लाइन अगली, किसी के गजरे ने ठीक है। इसके बाद महकती सुबह ने, सेम चलती चली जाएंगी। इसके बाद मचलती शामों ने, सेम। और इसके बाद रूप कुमार साहब अकेली रातों में, और इसके बाद अधूरी बातों ने, और इसके बाद तरसती भाव ने। अब यहाँ पर वही चेंज जो पहले था, लिखो कब आओगे रे से ले लिया था, वही चीज़ यहाँ पर है तरसती बाहों में ठीक है। और इसके बाद है और पूछा है तरसी निगाहों ने, और लाइन गाई है सोनू निगम ने, देखिए और बस इसके बाद वही लाइनें रिपीट होंगी कि घर कब आओगे, फिर वही पूरी की पूरी शुरू से सारी लाइनें वापस से आपको प्ले करनी पड़ेंगी। तो इस गाने को ज़्यादातर लोग इतना ही सीखते हैं, इससे आगे का जो गाना है काफ़ी लंबा है उसको ज़्यादातर नहीं सीखते हैं। वैसे मैंने सीखो सरल पर तो पूरे गाने का ट्यूटोरियल बना रखा है, मगर वो पियानो पर है। अगर हारमोनियम पर भी आपको इसके आगे के पूरे गाने का ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके लिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में ढेर सारी रिक्वेस्ट चाहिए अगले पार्ट के लिए। थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, ढेर सारी यानी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट चाहिए, नहीं तो मैं जो अगली रिक्वेस्ट है आपकी देशभक्ति गाने की उसको पिक कर लूँगा और उस पर ट्यूटोरियल बना दूंगा ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगला पार्ट चाहिए तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट हैं अगले देशभक्ति गाने के लिए वो फिर पेंडिंग हो जाएंगी, तो मुझे उसको भी पूरा करना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे आपके अगले देशभक्ति गाने की रिक्वेस्ट पर। अगर पसंद आया है तो मेहनत को ज़ाया मत जाने दीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा ठीक है।
ओके, तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली रिक्वेस्ट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।